हेलो फ्रेंड, आवर यूट्यूब चैनल एसी चकिया, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। सर, आज जो है हम लोग देखने चल रहे हैं आर्टिस्ट के बारे में। यह छठा चैप्टर है, इसके बारे में हम प्रोज सेक्शन का छठा नंबर चैप्टर द आर्टिस्ट, जिनके राइटर हैं सिंघा नोया, इनके बारे में हम देखने चल रहे हैं। सिंघा नोया जो थे, इनका जन्म 20 फरवरी 1883 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 ईस्वी में हुई, जो एक जापानी उपन्यासकार एवं लघु कथाकार तथा लेखक थे। उनके पिता एक सफल बैंकर थे, उनके पिताजी जो थे बैंकर थे। जब सिंघा नोया 3 वर्ष के थे, तभी उनका परिवार अपने दादा दादी के रहने के लिए टोक्यो चला गया। जब वह 3 वर्ष के थे तो उनके दादाजी जो थे दादा दादी के साथ वह रहने के लिए वह टोक्यो चले आए। उनका दादा दादी ने ही उनका पालन पोषण किया। जब सिंघा नोया 13 वर्ष के थे हुए, तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। सिंघा ने गोकुल स्विंग पियर का प्राथमिक स्कूल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा 1906 ईस्वी में इंपीरियल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि एक औसत छात्र होने के कारण वह जो थे सिंघा नोया जो थे एक औसत छात्र होने के कारण 1910 में बिना स्नातक की डिग्री लिए ही विश्वविद्यालय छोड़ दिए। वह जो थे उतना काफी तेज भी नहीं थे, एक मीडियम थे। और 1910 ईस्वी में वह क्या किए कि स्नातक का डिग्री उनको नहीं मिला, लेकिन वह विश्वविद्यालय छोड़ दिए। उनकी साहित्य करियर एक हस्तलिखित साहित्यिक पत्रिका बोया के साथ शुरू हुआ था। वह सबसे पहले जो थे उनकी चित्रकला में तो उनकी बहुत योगदान रहा है, और उनका करियर जो था चित्रकला में यानी हस्तलिखित साहित्य पत्रिका वो है बोया, उसके साथ शुरू हुआ। सबसे पहला वह पत्रिका उन्हीं का निकला था बोया, जिसे स्कूल में साहित्य इस समूह के भीतर प्रसारित किया। 1910 में सिंघा ने साहित्य पत्रिका सिरकावक के पहले अंक में अब्बासारी की कहानी का योगदान दिया है, जिसे उसने बनाने में मदद की। अपने परिवार के खिलाफ सिंघा नोया ने एक पेशेवर लेखक बनने के अपने इरादे को घोषणा की है। मैंने कैसे वह लेखक बने इसके बारे में वह सिंघा ने उसमें वर्णन किया है अपने। और 1912 में अतो सुजुकी नामक उपन्यास की रचना की। अतो सुजुकी जो था एक उपन्यास था जो सिंघा के द्वारा लिखा गया था 1912 ईस्वी में, जिसने अपने परिवार के नौकरानी के साथ अपने संबंध को रेखा चित्र किया था। मैंने अपने उसके परिवार में जो नौकरानी था उसी के का संबंध को बारे में उसमें बताया गया है। परिवार को इस उपन्यास से इतना धक्का लगा कि सिंघा को परिवार से बाहर कर दिया गया। उसी समय जब उसके परिवार को मालूम चला कि उसके नौकरानी के साथ उनका संबंध है, तो सिंघा को उसने परिवार से बाहर निकाल दिया, जिसे सिंघा को निकलना मजबूर होना पड़ा। सिंघा ने लघु कथा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। उसके बाद हम लोग देखने चल रहे हैं पैराग्राफ 1 नंबर, ऊपर वाले जो जीवनी जो था वो बता दिए हैं। सिंघा नोया का जन्म हुआ था 1883 में, और उनका मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था 1971 ईस्वी में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब पैराग्राफ 1, यह जो लेखक जो था या सेबी के बारे में दर्शाता है। सेबी जो था एक बच्चा था, और उसके फादर, उस बच्चे के फादर और उसकी टीचर से या संबंधित रिलेटेड है। सेबी जो था एक स्टूडेंट था, उसके बारे में नीचे देखा जा रहा है। सेबी माने एक तुम्बा पर यह कहानी, आर्टिस्ट यानी तुम्बा के ऊपर या जो भी चर्चा हो रहा है, एक तुम्बा के बारे में हम फल, तुम्बा एक फल होता है कि एक तुम्बा क्या होता है, तो तुम्बा देखते हुए कद्दू का फल होता है। कद्दू के जो बाहर अंदर का पूरा बीज निकाल लिया जाता है, उसका खोखला जो बचता है उसी को तुम्बा कहा जाता है। तो पैराग्राफ 1 हम लोग देखने चल रहे हैं लाइन बाय लाइन हिंदी। सेबीज पेरेंट्स न्यू डैट द ऑफ्टन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड्स। सेबी के माता पिता जानते थे कि सेबी प्रतिदिन घर से बाहर आकर बाजार में गार्ड यानी गुदेदार फल, उसको कहा जाता था, खरीदता था। ही गॉट देम फॉर ए फ्यू सीन एंड सून हैड ए सीजेबल कलेक्शन। वह उसे कुछ सेन, जब सेन का मतलब होता है वह जापानी मुद्रा को कहा जाता है, कुछ सेन में प्राप्त करता था। वेन ही कम होम, जब वह घर आता था
ही वुड फर्स्ट बोर ए नेट होल होल इन द टॉप ऑफ द गार्ड एंड एक्स्ट्रा द सीड्स, यानी होल का मतलब होता है छिद्र होता है। सर्वप्रथम वह उसके सबसे ऊपर एक सांप तथा स्पष्ट छेद करता था तथा अंदर के बीच निकालकर वह बाहर कर देता था। तुम्बा में जो निकालता लेता था खरीदता था उसके अंदर का बीज ऊपर जो था एक छेद कर उसके अंदर का जितना भी बीज था उसको निकाल कर वह क्या कर देता था, बाहर कर देता था। नेक्स्ट ही अप्लाई टी लिप्स टू गेट राइड ऑफ द अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल, उसके पश्चात वह चाय की पत्तियों को उस गार्ड फल की दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए यानी महक से छुटकारा पाने के लिए उस पर लेप लगा देता था। ही देन फेचेड द एसेक ड्रेक्स इन हिज फादर्स कप एंड द केयरफुली पॉलिश्ड द सरफेस, तत्पश्चात वह पिताजी के कप में बचे हुए चावल के बने हुए पे को लाता था उसकी सतह पर उसकी पॉलिश करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ दो नंबर, सेबी वाज पर्सनलिटी इंटरेस्टेड इन गार्ड, सेबी उत्साहपूर्वक गार्ड में अभिरुचि रखता था। वन डे एज ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, एक दिन वह पैदल समुद्र तट पर भ्रमण कर रहा था। कौन? सेबी के बारे में कहा जाता है कि वह एक दिन सुबह में क्या था, पैदल समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहा था। एब्सोल्यूटेड इन हिज फेवराइट सब्जेक्ट, तथा अपने प्रिय विषय पर सोच रहा था, उसका जो प्रिय विषय था चित्रकला पर गार्ड के ऊपर वह सोच रहा था। ही वाज स्टडेड बाई एन अनयूजुअल साइट, तभी वह एक असमान दृश्य को देखकर चौंक गया। जैसे ही वह घूम रहा था तो एक असमान दृश्य मैंने बेडॉप टाइप का उसको दिखाई दिया और वहां वो क्या हुआ, चौंक गया। ही कॉट ए ग्लाइम्पेज ऑफ द बेल्ट एक्नोलेड हेड एंड ऑफ एन ओल्ड मैन होरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हट्स बाई द बीच, उसने गंजे अथवा केस रहित प्रलंबित मस्तक वाले एक वृद्ध व्यक्ति की झलक देखी। क्या देखा उसने? गंजा, उसके मुड़ी पर गंजा था, केस था, गंजे अथवा केस रहित जब केस बाल नहीं था उसके मस्तक वाले एक वृद्ध व्यक्ति की झलक देखी जो समुद्र तट की एक झोपड़ी से फुर्ती से निकलकर, व्हाट ए स्प्लेंडेड गार्ड, कितना आकर्षक अथवा सुंदर यह गार्ड फल है। वह देखा कि वह एक वृद्धा जो था उसके झोपड़ी में सर पर बाल नहीं था उधर से निकला और कहाँ घुस गया, एक झोपड़ी में घुस गया, लेकिन उसके वह लिया हुआ क्या था, गार्ड लिया हुआ था। कितना आकर्षक अथवा सुंदर गार्ड यानी फल है यह। ठोट सेबी के मन में यह विचार गया। द ओल्ड मैन डिसअपीयर्ड फ्रॉम साइट वेजिंग हिज बेल्ट प्राइम पेट, वह वृद्ध व्यक्ति जो अपने दुर्लभ सिर को हिलाते हुए अदृश्य अथवा ओझल हो गया, वह अपना सर हिलाते हुए क्या हो गया, ओझल हो गया माने लुप्त हो गया। वन डे डिड सेबी रियलाइज हिज मिस्टेक एंड द स्टूड देयर लॉटिंग फॉर्डली टू हिमसेल्फ, उसके पश्चात ही सेबी ने अपनी गलती का अनुभव किया। तब वह वहां खड़ा होकर स्वयं पर उच्च स्वर में हंसने लगा। वह देखा और अपने आप को खड़ा होकर गलती का महसूस किया और वह क्या किया, हंसने लगा। He laughed at the way home, वह रास्ते पर हंसता हुआ घर की तरफ चल। नेक्स्ट पैराग्राफ तीन नंबर, Whenever he passed a grocery, a curry shop, a confections or in effect any place that sold card, he stood for minutes on end, his eyes glued to the window appraising the precious fruit. यह जो था, जब भी वह किराना दुकान, प्रचून दुकान तथा मिठाई की दुकान से होकर गुजरता था तो वास्तव में उन सभी स्थानों पर जहां गार्ड फल की बिक्री होती थी कुछ मिनटों के लिए वहां रुक जाता था। उसकी आंखें सारेस की तरह यानी खिड़की से चिपक जाती थी तथा उस वह मूल फल का मूल्य निर्धारित करने लाता था। वहां रुक जा, जहां भी वह गार्ड फल बिकता था वहां जाता था, अगर रास्ते से गुजरता था या मिठाई के दुकान हो या जो भी प्रचून के दुकान हो या किराना दुकान हो से गुजरता था तो वहां रुक जाता था और उसका दाम वह क्या करता था, पूछने लगता था। पैराग्राफ चार नंबर, सेबी वाज 12 इयर्स ओल्ड एंड स्टिल ए
प्राइमरी स्कूल। सेबी की आयु जब 12 वर्ष की थी, फिर भी उस समय प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन कर रहा था। आफ्टर क्लास स्टार्टेड ऑफ प्लेइंग विथ द अदर चिल्ड्रेन, कक्षा यानी क्लास की समाप्ति पर वह अन्य बच्चों के समान खेल कूद नहीं करता था। सेबी जो था, यानी कहने का मतलब है, वह जब 12 वर्ष के समय था, 12 वर्ष का हुआ, फिर भी 12 वर्ष का हो गया था, लेकिन वह कहाँ पर पढ़ाई करता था? प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करता था। लेकिन जब क्लास वह ओवर होता था, क्लास टीचर जब क्लास को ओवर होता था, तो वह अन्य बच्चा जो क्लास ओवर होता है तो खेलता है, तो उस तरह वह खेल नहीं करता था। ही यूजली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग द फॉर गार्ड, बल्कि समान नगर का भ्रमण गार्ड की तलाश किया करता था। यानी वह नगरे नगरे जब भी छुट्टी होता था तो वह बैठकर एकत्रित नहीं होता था, जबकि वह अलग अलग घूमकर नगर में घूमकर किस चीज की तलाश करता था? गार्ड यानी थुम्बा, इसका दूसरा नाम थुम्बा ही है, थुम्बा का प्रयोग करता था। देन ही इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेगेड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वेटेड फ्रूट। तब शाम को वह अपने पैरों को एक दूसरे पर रखते हुए अपने रहने वाले कमरे के एक कोने में अपने नए लाए गए फल यानी गार्ड के साथ बैठ जाता था। यानी वह जो फल लाता था, थुम्बा लाता था, उसके साथ वह क्या करता था? अपने घर में जहां कमरा में रहता था तो एक कोने में बैठ जाता था और उस थुम्बा पर काम करने लगता था। वेन ही हैड फिनिश्ड ट्रेडिंग इट, जब वह उसका उपचार समाप्त कर देता था, ही पाउंड इन ए लिटिल से, वह उसे एक छोटे से पात्र में ढाल देता था। वह क्या करता था? उसको काम करता था, काम करकर एक छोटे से पात्र में उसको क्या करता था? ढाल देता। इंसर्टेड ए क्रॉक स्टोपर विच ही हैड फैशन हिमसेल्फ, तब एक ढक्कन कर लगा देता था जिससे वह स्वयं तैयार किया था। वर्पेड इट इन ए तौली क्यों कहा जाता है, पुट दिस इन द टिन स्पेशली कीप फॉर द परपोज एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग्स इन द कारकुल फ्रूट वार्मर, उसे तौलिया से ढक देता था, तौलिया से ढक देता था। इसे एक दिन एक टिन यानी पात्र में, जिसे उसे विशेष रूप से इसी कार्य के लिए रखा था, उसमें अंतः संपूर्ण वस्तु को लकड़ी के कोयला वाले फूड वार्मर में रख देता था। देन ही वांटेड टू बेड, तब वह बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ 5 नंबर। एज सुन एज ही वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो ही वह अगली सुबह वह सोकर उठता था, ही वुड ओपन द टिन एंड एग्जामिन द गार्ड, वह टिन को खोलता था और गार्ड की जांच करता था। सुबह उठकर सबसे पहले उसका कार्य था कि वह टिन को खोलकर और गार्ड को चेक करता था कि यह क्या है, इस पर क्या फर्क पड़ा है, पहले जो रखा गया है उसकी अपेक्षा अभी क्या फर्क है। द स्किन वुड बी थॉटली डैम फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, उसकी बाहरी आवरण अथवा त्वचा सारी रात के इलाज से नम अथवा गीली हो जाती थी। सेबी वुड ग्रेज एडोरेंटली ऑफ हिज ट्रेजर्स बिफोर ट्राइंग ए स्ट्रिंग रेन द मिडिल एंड हैंगिंग इन द सन टू ड्राई। सेबी अपने खजाना अथवा संग्रह यानी गार्ड का फल जो था, तुम्बा जो था, के मध्य भाग को एक डोरी अथवा फीता से बांधने तथा धूप में सुखाने के पूर्व आराधना करने की मुद्रा अथवा सजाने सवार ने मुद्रा जिसको आराधना करने की कहा जाता है, इसको दूसरे में सवार में सजाने के उपक्रम में झांकता अथवा दृष्टिपात करता था। वह उसको क्या करता था? सजाता था, बढ़िया से उसका पेंट करता था, यह सब तैयार करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ से 6 नंबर पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। सेबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, सेबी एक बंदरगाह अथवा पोतराशय स्थित नगर में रहता था। हार्बर टाउन का मतलब है पोतराशय, यानी बंदरगाह के नाम से बंदरगाह भी कहते हैं उसको। तो सेबी लिव्स इन ए हार्बर टाउन, सेबी एक बंदरगाह अथवा पोतराशय स्थित नगर में रहता था। अल्ट्रोट इट वाज ऑफिशियली ए सिटी, यह आधिकारिक दृष्टि से एक शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू द अदर इन ए मैटर ऑफ
20 मिनट्स, किंतु कोई भी व्यक्ति इसके एक छोर से दूसरे छोर तक 20 मिनटों में चलकर पहुंच सकता था। सेबी वाज ऑलवेज वांडरिंग अबाउट द स्ट्रीट, सेबी गलियों अथवा सड़कों पर हमेशा घूमा करता था। उसका काम ही था कि जब भी वह उसको समय मिले तो गली में या सड़क पर वह घूमा करता था। एंड ही सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गार्ड, तथा शीघ्र ही उन स्थानों को जहां गार्ड का विक्रय होता था भली प्रकार जान गया था। कहां कहां गार्ड का जो विक्रय होता था, खरीद बिक्री होता था, वह उस जगह को पहचान गया था। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट वेरी गार्ड ऑन द मार्केट, तथा बाजार में उपलब्ध प्रत्येक गार्ड को प्रायः पहचान गया था कि कैसा गार्ड यहाँ मिल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ 7 नंबर देखा जाए। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड जनरली पिकुलरिटी फ्रॉम गार्ड यूजली फेवरेटेड बाय द कलेक्टर्स, यानी पुराने अथवा वृद्ध के समान विचित्र बेढंग ढंग से निर्मित गार्ड जो किस संग्रह कलाओं द्वारा पसंद किए जाते थे उन पर विशेष ध्यान नहीं देता था। यानी जो पुराने बेढब अगर संग्रह है, बेढब गार्ड है, उस पर वह विशेष ध्यान नहीं देता था, या विचित्र प्रकार के देखने में जो अच्छा न लगे उस पर वह जो सेबी जो था विशेष ध्यान नहीं देता था। द टाइप दैट एप्लेटेड टू सेबी वाज इवन एंड सिमेट्रिकल, अथवा उनकी अपेक्षा करता था जो किस्म अथवा प्रकार का गार्ड सेबी को प्रभावित करता अथवा आकर्षित करता था वह सुडौल तथा सुंदर आकार वाला होता था। नेक्स्ट पैराग्राफ 8 नंबर। डैट यंगेस्टर ऑफ योर्स वनली सीम टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वन सीड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर, यानी उसके सेबी के पिताजी के मित्र ने उसे कहा कि उसका पुत्र केवल समान दिखाने वाले फल यानी गार्ड को पसंद करता है। उसके पिताजी बोल रहे हैं सेबी के पिताजी के फ्रेंड बोल रहे हैं सेबी के फादर से कि उनको उसको जो है एक समान दिखने वाला फल गार्ड ज्यादा पसंद है। हु हैड कम टू कॉल, वे उनके पिताजी द्वारा बुलाए जाने पर आए थे। ही पॉइंटेड एट द दे, उन्होंने बालक लड़का की तरफ संकेत यानी इशारा किया। हु वाज सिटिंग इन द कर्नल बिजली पुल्यूशिंग ए प्लान राउंड गार्ड, जो एक कोने में एक सीधे चिकने गोल गार्ड को पॉलिश करने में व्यस्त था। कौन? सेबी के बारे में कहा जाता है। वह जो था वह इशारा करते हुए उसके फादर का जो फ्रेंड थे वह उसके ओर सेबी की ओर इशारा करते हुए देख रहे थे, लेकिन सेबी वहां उस समय में क्या कर रहा था, एक कोने में बैठकर गार्ड को पॉलिश कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं 9 नंबर। फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गार्ड्स, सेड हिज फादर गिवन सेबी ए डिसगस्टेड लुक, उसके पिताजी ने घृणा यानी खींच पूर्ण दृष्टि से सेबी को देखते हुए कहा कि यह लड़का व्यर्थ में अपना समय गार्ड के साथ खेलने में इस प्रकार व्यर्थ कर रहा है। यानी वह घृणा भाव से कह रहे हैं कि यह लड़का जो है ये सब जो काम कर रहा है व्यर्थ भाव से कर रहा है, अपना समय को बर्बाद कर रहा है यह गार्ड को पॉलिश करने में। नेक्स्ट पैराग्राफ 10 नंबर देखते हैं हम लोग। सी हेयर सेबी माई लैड सेड द फ्रेंड, देयर्स नो यूज जस्ट कलेक्शन लॉस्ट ऑफ दोज थिंग्स, उसके मित्र ने कहा कि उन वस्तुओं को अधिक मात्रा में संग्रह करना उपयुक्त नहीं है अथवा उनकी उपयोगिता ही नहीं है। इट्स नो द क्वांटिटी दैट काउंट्स, यू नो तुमको जानना चाहिए किसी वस्तु संख्या का कोई महत्व नहीं है अथवा अधिक संख्या नहीं, अधिक गुणवत्ता का महत्व है। यानी संख्या का महत्व आज के समय में नहीं है लेकिन उसके गुण का महत्व है। व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, तुम जो करना चाहते हो अर्थात अधिक संख्या में संग्रह करना उसमें से एक या दो गार्ड उपयुक्त होते हैं। जो भी अच्छा काम करना चाहते हो यानी संग्रह जो गार्ड तुम कर रहा है सभी के बारे में कह रहा है उसमें से एक या दो ही क्या है उपयुक्त है। नेक्स्ट 11 नंबर पैराग्राफ। आई प्रीफर दिस काइंड सेड सेबी एंड लेट द मैटर ड्रॉप, सेबी ने कहा कि वह इस प्रकार के गार्ड को प्रमुखता देता है और बात
वहां समाप्त हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देख रहे हैं 12 नंबर, सेविज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड्स। सेबी के पिता और उनके मित्र गॉड यानी तुम्बा को के विषय में बातें करने लगे। उस तुम्बा जो कर रहा था यानी फल जो कर रहा के बारे में जो कर रहा था उसके बारे में वह दोनों आदमी सेबी के पिता और सेबी का उनके फादर का जो मित्र थे वो दोनों आदमी आपस में बातें करने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ 13 नंबर, रिमेम्बर डेट बेकिंग गॉड दे हैड एट द एग्रीकल्चर सो लास्ट स्प्रिंग सेड हिज फादर इट वॉज ए रियल ब्यूटी वाजंट इट। सेबी के पिताजी ने कहा कि उस बेकिंग अथवा परिपक्व गार्ड यानी थुम्बा, परिपक्व गार्ड जिसको कहा था थुम्बा की याद कीजिए, जिसे हम लोगों ने कृषि प्रदर्शन या मेला में पिछले वसंत ऋतु में देखा था, यह वस्तुतः दर्शनीय तथा सुंदर था, क्या वह वैसा नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं हम लोग 14 नंबर, यस आई रिमेम्बर, हाँ मुझे याद है, डेट बिग लॉन्ग वंस, वह बड़ा सा लंबा। पैराग्राफ 15 नंबर देखते हैं हम लोग, एज सेबी लिस्टन टू देयर कन्वर्सेशन, जब सेबी उन लोगों का वार्तालाप सुन रहा था, ही वॉज लाफिंग इन वार्डली, वह मन ही मन में हंस रहा था। द बेकिंग गार्ड हैड मेड क्वाइट ए स्टायर एट द टाइम, अथवा परिपक्व गार्ड यानी तुम्बा ने उस समय काफी प्रोत्साहित किया था, बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट हैविंग नो आइडियाज ऑफ कोर्स हु बेकिंग माइट बी, जब वह उसे देखने गया वस्तुतः बेकिंग के विषय में बिना किसी अभिप्राय या विचार के, ही हैड फाउंड इट रैदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट एंड हैड वॉल्ड आउट ऑफ द शो। उसने उसे अर्थात गार्ड को आकर्षक या आकर्षक सा दिखाई पड़ने वाला एक तत्व पाया था तथा उसे प्रदर्शनी अथवा शो से बाहर चलाया था। नेक्स्ट पैराग्राफ 16 नंबर, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट इंटरप्ट सेबी ने उन लोगों के वार्तालाप में बीच में ही टोकते हुए कहा, मैंने इसके विषय में बहुत अधिक नहीं सोचा, इट जस्ट ए क्लासी ग्रेट थिंग्स, यह एक बेडौल तथा अनुपयुक्त महान वस्तु है। नेक्स्ट 17 नंबर देखिएगा, हिज फादर ओपेंड हिज आईज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, सेबी के पिताजी ने अपनी आंखों के विस्तारित करते हुए अथवा फैलाकर चौड़ी करते हुए क्रोध से उसकी ओर देखा। वह जब यह बताया उनको सेबी अपने फादर को गार्ड के बारे में, तो वह क्या हुआ, उनको अपनी आंखों से विस्तारित करते यानी क्रोध में पूरा बौखला सेबी की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 18, व्हाट ही शोड, वह जोर से चिल्लाकर बोला, वह क्या है, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू हैड बेटर शूट अप, यदि तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो तुम्हारे लिए बेहतर अथवा उचित होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सेबी उसके बाद फिर से दूसरा शब्द नहीं बोला। उसके बाद 19 नंबर में देखते हैं पैराग्राफ, वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन जब वह एक अपरिचित सी पीछे में स्थित एक छोटी सड़क अथवा गली से होकर गुजर रहा था, ही केम अप ऑन एन ओल्ड वुमन विथ ए फ्रूट स्टॉल, वह एक वृद्ध महिला के फल के स्टॉल पर रुक गया। सी वाज सेलिंग ड्राइड परमिशन एंड ऑरेंज, वह जो सूखे खजूर तथा संतरे बेच रही थी। वन द शूटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, सी हैड हैंग ए लार्ज क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा ऑफ गार्ड्स स्टॉल, दुकान के पीछे के घर के दरवाजे पर उसने गार्ड यानी थुम्बा फल के गुच्छे टांगे हुए रखे हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ 20 नंबर, कैन आई हैव ए लुक, सेबी ने कहा, क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ, सेड सेबी एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिन द गार्ड्स, और तत्काल स्टॉल के पीछे हिस्से की ओर दौड़ पड़ा और गार्ड फलों को परखने लगा। वह जो बेच रही थी वृद्धा महिला, उसे पूछा कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ, वो बोला कि क्यों नहीं, तो वह तुरंत पीछे के
स्टॉल से पहुंच आगे आकर दौड़कर आया और गार्डों को फलों को परखने लगा और वह क्या करने लगा, देखने लगा। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 inches लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुक क्वाइट कॉमन प्लान। अचानक उसकी दृष्टि उनमें से एक पर पड़ी जो लगभग 5 inches लंबा था तथा पहली नजर में उसे पूर्ण समान प्रतीत हुआ। समथिंग अबाउट इट मेड सेबी हार्ट बीट फास्टर। इसके विषय में किसी बात ने सेबी की हृदय की धड़कन को बढ़ा दी। नेक्स्ट पैराग्राफ 21 नंबर। हाउ मच इज दिस वंस ही आस्ट पेंटिंग आउट द वर्ड्स। उसने अपने शब्दों पर जोर देते हुए पूछा यह कितने का है। नेक्स्ट पैराग्राफ 22 नंबर। वेल सेड द ओल्ड वुमन। उस वृद्ध महिला ने कही सिंस यू आर जस्ट ए लैड। चूंकि तुम एक अल्पवयस्क बालक हो आई विल लेट यू हैव इन फोर 10 सेन। अतः मैं उसे इसे 10 सेन में दे दूंगा। सेन का मतलब होता है वो जापानी मुद्रा। क्या होता है? जापानी मुद्रा को सेन कहा जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ 23 नंबर। इन डैट के सेट सेबी अर्जेंटली। सेबी ने शीघ्रतापूर्वक कहा प्लीज होल्ड इट फॉर मी ऑन यू। उसके विषय में मेरा निवेदन है कि मैं उसे अपने पास रखे। उसके लिए वह गार्ड के लिए निवेदन है जो उसको गार्ड सेबी को पसंद पड़ा था उसके लिए वो कह रहा है कि ये गार्ड को आप अपने पास रखिए, उसे बेचिएगा नहीं। आई विल बी राइट बैक विथ द मनी। मैं रुपया लेकर शीघ्र वापस आऊंगा। क्या आप ऐसा करेगी? वह सेबी जो है वो वृद्ध महिला से पूछ रही है क्या आप ऐसा कीजिएगा, आप अपने पास सुरक्षित रहिएगा, किसी से बेचिएगा नहीं, मैं तुरंत पैसा लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ 24 नंबर हम लोग देखते चल रहे हैं। ही डैश्ड होम एंड इट नो टाइम एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल्स। वह शीघ्रता से घर की ओर गया तथा शीघ्र ही बिना देर किए वह स्टॉल पर लौट आया। वह घर गया और तेजी में घर से लेकर पैसा वापस आ गया। ही बोट द गार्ड्स एंड टूक इट होम। उसने गार्ड को खरीद लिया, उससे घर ले गया। नेक्स्ट 25 नंबर पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। फ्रॉम दैट टाइम ऑन उसी दिन से ही वॉज नेवर सेपरेट फ्रॉम हिज न्यू गार्ड। वह अपने नए गार्ड से अलग नहीं हुआ। ही इवन टूक इट अलोंग टू स्कूल एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। वह उसे गार्ड अपने विद्यालय भी ले जाता था तथा अपने क्लास की घंटी अथवा जब वर्ग में पढ़ाई होती रहती थी वह डेस्क के नीचे रखकर उस पर क्या करता था, पॉलिश करता था। इट वॉज नो लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉल्ड एट दिस बाई वन ऑफ द टीचर्स हु वॉज पार्टिकुलरली इन सेंटेड इनसेंस्ड का मतलब होता है क्रोध करना। यहाँ इनसेंस का मतलब क्या होगा, क्रोध करना। बिकॉज इट हैपन टू टॉक प्लेस इन एन एथिस्ट यानी नीतिशास्त्र क्लास। अधिक समय नहीं बीता था जब उसने एक अध्यापक ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया जो कि विशेष रूप से क्रोधित हो गया। वह टीचर जो है वह जब गार्ड का पॉलिश कर रहा था तो वह एक टीचर क्लास टीचर जो था वह उसको पकड़ लिया। उस समय अधिक समय नहीं हुआ था पर वह टीचर क्या हो गया, क्रोध में आ गया क्योंकि यह घटना नैतिक शिक्षा की पढ़ाई के समय घटी। यानी उस समय जो था वह टीचर पढ़ा रहा था, किस चीज की क्लास चल रही थी, नैतिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहा था। नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होते समय अध्यापक द्वारा सेबी नए गार्ड पर पॉलिश करते हुए देखा गया। सेबी जब नए उस समय नैतिक शिक्षा का क्लास चल रहा था उसी समय में वह सेबी को दिखाई पड़ा और पकड़ा गया अध्यापक के द्वारा और अध्यापक वहां उस समय गुस्सा हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ 26। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट्स ऑफ जापान एंड टॉट इट मस्ट ऑफिनिट दैट चिल्ड्रेन शुड इंडुजेड इन सच इफिमिनेट। इफिमिनेट मतलब पुरुषहीन होता है। यहाँ इफिमिनेट का मतलब पुरुषहीन। फर्स्ट टाइम इन कलेक्शन गार्ड। अध्यापक जापान के दूसरे भाग से वहां आए थे तथा गार्ड के इकट्ठा करना जैसे स्त्री जनित अथवा स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले मनोरंजन में लिप्त होने को अत्यंत आपत्तिजनक समझा जाता है। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट साइट सिंग
नानुवासी बैट्स हाउ इवर रोकौसली का मतलब होता है कर्कश स्वर में, रोकौसली का आवाज हो गया मैंने मीनिंग हो गया कर्कश स्वर में। यदि उनका छात्र नानुवासी वाद्य यंत्र के साथ गाथा गीत वर्कस तथा नीरस स्वर में गा रहा हो, नाउ वेन ही फाउंड सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गार्ड हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ फ्यूरी, यानी उसने उन्हें कभी बुरा नहीं माना, अब वह उन्होंने सेबी को चुपचाप गार्ड पर पॉलिश करते देखा, उसका स्वर उत्तेजना से कंपित तथा कठोर हो गया। नेक्स्ट 27 नंबर पर अगर आप देखते हैं हम लोग, यू आर इन इडियट ही शूटेड देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, वे अध्यापक तेज आवाज में बोले, तुम जर बुद्धि अथवा मूर्ख हो, तुम्हारे जैसे लड़के का भविष्य बिल्कुल नहीं है, अथवा तुम्हारे समान किशोर का भविष्य पूर्ण अंधार अंधकारमय है। यानी कहने का मतलब है कि तुम जो है मूर्ख हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे जैसे लड़के का भविष्य बिल्कुल नहीं है, अथवा तुम जिसके साथ बैठे हो क्लास में, यानी उस सब का भी भविष्य तुम खराब कर सकते हो, टीचर कह रहा है। देन एंड देयर ही कॉन्फ्लिकेटेड द गार्ड ऑन विच से बी हैड स्पेंट मनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। इसके पश्चात उन्हें फौरन सेबी से उस गार्ड को जिस पर उसने अनेक लंबा समय नष्ट किया था, अथवा जिस पर वह एक दीर्घ अवधि से अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता था, उसे हाथों से लेकर अपने कब्जों में कर लिया। उसके बाद क्या हो रहा है, सेबी स्टार्टेड स्ट्राइट एहेड एंड डिड नॉट क्राई। सेबी अपने सामने की ओर स्थित दृष्टि से देखता रहा तथा कुछ भी नहीं बोला अथवा भय से रोने लगा।